दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 लेके आ गया, और जिसमें दोस्तों हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और इसका हम लोग मॉडर्न अप्रोच देखेंगे, मॉडर्न टेबल देखेंगे। मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देना चाहता हूँ। हम लोग ने कल के दिन ही एक्टिविटी नंबर 2 को सॉल्व किए थे, जो कि आप लोग का ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर बेस्ड था, लेकिन आज हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये आप लोग का मॉडर्न मेथड के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, अभी दोस्तों हमारा जो एक्टिविटी नंबर 3 जो मॉडर्न मेथड है, उसके भी कुछ अपने अलग अलग रूल्स हैं, तो आज के इस लेक्चर में सारे रूल्स को डिस्कस किए जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी से आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग का जो दिया है दोस्तों मॉडर्न मेथड में, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं। अभी आप बोलोगे तो मुझे आप बताए थे भाई वो ट्रेडिशनल के थे, अभी इसका भी देखो इसमें कितने प्रकार के दिया। आप लोग को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा दोस्तों, 1 मिनट, आप कुछ आप लोग को क्लियर होगा। तो देखिए हमें अकाउंट्स कितने प्रकार के, एक एसेट्स अकाउंट, आप लोग बता हमारा एसेट्स भी एसेट्स किस में आता है, हमारा रियल अकाउंट वहाँ पे, लाइबिलिटी अकाउंट की हमारे ऊपर कर्जा कितना, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू गेंस अकाउंट, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट। आपको एक्टिविटी नंबर 3 सॉल्व करने के लिए इन्हीं 5 अकाउंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, और भी आपका जैसे कि ड्राइंग अकाउंट हो गया, इसका भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो आइए इसके कुछ रूल्स हैं, हम लोग सारे रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला रूल है। सबसे पहले हम लोग रूल की 3 अकाउंट का देखेंगे, कौन कौन सा, एसेट्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट, इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिट एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। देखिए अगर आप अपने एसेट्स को इंक्रीज करना चाहते हो, एसेट्स मतलब क्या, आपके बिजनेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टी रहेगी, मतलब जिसका फिजिकल थिंग हो, या तो आप एग्जांपल के लिए लैंड, मशीनरी, प्लांट कुछ भी आप ले सकते हो। अभी देखो अभी आप प्लांट मतलब पौधा मत समझना, हम लोग प्लांट एंड मशीनरी भी काउंट करते हैं। ओके, एसेट्स में हम उसे कहते हैं। अगर आपको अपने कंपनी का एसेट्स इंक्रीज करना है, तो आप उसमें क्या क्या करोगे, आप डेबिट करोगे, क्या करोगे, डेबिट करोगे। अगर आपको अपने कंपनी का एसेट्स को डिक्रीज करना है, तो उसमें आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ओके, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर सेकंड हमें क्या दिया, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस लॉसेस इज क्रेडिटेड। अगर आप अपने एक्सपेंसेस और लॉसेस को इंक्रीज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, उसमें डेबिट करो। अगर आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, डिक्रीज करना चाहते हो, तो आप उसको में क्या करोगे, क्रेडिट करो। ओके, इतना डाउट आपका कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। फिर आप लोग का वो दोनों आप समझ गए, बस ये 3 रूल और है, इसको आप समझ लीजिए, फिर हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू और गेन, आप चाहे इसको प्रॉफिट भी बोल सकते हो। हमारा पहला कहते हैं, इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। मतलब अगर आप अपनी लाइबिलिटी को अगर इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें आप क्या करो, क्रेडिट करो। क्या करोगे दोस्तों, क्रेडिट करो। अगर दोस्तों आप अपना कर्जा बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। अगर आप अपने लाइबिलिटी को कम करना चाहते हो, तो क्या करोगे, डेबिट करोगे। फिर वही सेम कंडीशन एक और चीज़ में और लगता है, क्या, इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अगर आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें आप क्रेडिट करो। अगर आप अपने कैपिटल को डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें से आप डेबिट कर सकते हो। फिर कह दिया, इंक्रीज इन रेवेन्यू गेंस इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन रेवेन्यू गेंस इज डेबिटेड। अगर आप अपने प्रॉफिट को, रेवेन्यू को अगर इंक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें क्रेडिट करो। अगर आप उसको डिक्रीज करना चाहते हो, तो उसमें डेबिट करो। बस इसके इतने ही रूल है, इतने ही इसके बेसिक मेथड है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख लेना क्या आप लोग को डाउट है, रिप्लाई में पक्का दूंगा। भाई हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 को सॉल्व कर दिया। यहाँ पे मैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का टेक्स्ट बुक भी रखा हूँ। आपको देखो ये पेज नंबर दोस्तों, ये आपको पेज नंबर 30 पे दिया है। ये जो आपको पेज नंबर, अगर आप अपना टेक्स्ट बुक का 30 ओपन किए हो, तो वहाँ पे आपको दिखेगा। उसी को मैंने इस बुक फॉर्मेट पे रिप्रेजेंट ऐसे किया, और कुछ नया नहीं है। 1 सेकेंड, कैमरा ब्लर हो रहा है। हाँ दोस्तों अब ठीक है। तो आइए हम लोग एक्टिविटी नंबर 3 को सॉल्व आउट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन क्या क्या दिया है,
आप लोग मुझे उम्मीद है कि टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे। तो इसमें हमें क्या दिया है, राजेश कम्स बिजनेस विथ कैश 80,000 रुपीज़। एक राजेश नाम का एक व्यक्ति है, वो 80,000 रुपये अपने बिजनेस में लेके आ रहा है। तो दोस्तों इसके इफेक्ट क्या होंगे, दो इफेक्ट होंगे क्या, सबसे पहला कैश कम्स इन बिजनेस की भाई बिजनेस में कैश आ रहा है, और दूसरा इफेक्ट क्या क्या होगा, उसको दे कौन रहा है, तो भाई प्रोपाइटर दे रहा है, प्रोपाइटर राजेश द गिवर कैपिटल। ओके अभी हमारा ये अकाउंट इन्वॉल्व में क्या आएगा, अभी हमारा कैश है तो कैश अकाउंट में, और कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में। हमारा जो कैश अकाउंट है एसेट्स में काउंट किया जाता है, और जो कैपिटल है कैपिटल अकाउंट में। अगर आप अपने एसेट्स को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या क्या करोगे, इंक्रीज इन एसेट्स अगर चाहते हो तो उसमें आप डेबिट करोगे, तो यहाँ पे देखो डेबिट आ रहा है, इंक्रीज इन एसेट्स। अगर आप यहाँ पे अपना एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप अपने कैपिटल को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, मैं अभी रूल बताया था, तो आप क्रेडिट करोगे, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पे। और बाद में कि कैश अकाउंट यहाँ का डेबिट में क्रेडिट में आ गया कैपिटल अकाउंट, ये क्यों आया, क्योंकि आप अपने एसेट्स को इंक्रीज कर रहे हो, और ये आया कि आप अपने कैपिटल को इंक्रीज कर रहे हो, इतना आपको समझ में आया होगा। फिर सेकंड हमें क्या दिया है, पेड टेलीफोन बिल ऑफिस 5,000 रुपये। देखो दोस्तों इस तरह का थोड़ा सा आपको ब्लर जरूर दिख रहा होगा, आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे तो अच्छी बात है, मैं फिर भी रीड कर रहा हूँ, देख लीजिए क्या क्या दिया है। पेड टेलीफोन बिल ऑफिस, अगर आपकी अगर एक ऑफिस है उसके उस ऑफिस का 5,000 रुपया बिल आया, उसको पेड कर रहे, तो दोस्तों इसमें कौन से इफेक्ट होंगे, दो इफेक्ट होंगे, पेड टेलीफोन बिल एक्सपेंसेस, आप अपने टेलीफोन का बिल पेड कर रहे हो तो आपके लिए क्या है एक्सपेंसेस है, और दूसरा क्या है कैश गोज आउट, और दूसरा क्या है दोस्तों हमारा कैश गोज आउट, आपके पास से जो कैश पेमेंट था आपसे जा रहा है, ये दो हुआ। हमारा अकाउंट इन्वॉल्व में हमारा आ जाएगा यहाँ पे कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा कि कैश अकाउंट, और दोस्तों यहाँ पे हमारा आ जाएगा पेड टेलीफोन अकाउंट, नहीं तो आप यहाँ पे टेलीफोन अकाउंट भी लिख सकते हो। ओके अभी हमारा टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट कैसे हमारा एसेट्स में जाता है, तो अभी अभी देखिए हमारा जो एक्सपेंसेस जो क्या हो रहा है, डेबिट है क्रेडिट, तो हमारा डेबिट हो रहा है तो हमारा लिखेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। अभी हमारा एसेट्स क्या हो रहा है, डेबिट है क्रेडिट, तो हो रहा है क्रेडिट, तो इसका रूल का डिक्रीज इन एसेट्स, क्योंकि आप एसेट्स को डिक्रीज कर रहे हो। अभी दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, अभी आपने यहाँ पे क्या लिखा टेलीफोन अकाउंट, तो यहाँ पे भी टेलीफोन अकाउंट आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा कैश अकाउंट आएगा। ओके आपको इतना समझ में आया होगा, बाकी चलिए हम आगे की तरफ मूव आउट करते हैं। और आपका जो थर्ड ट्रांजेक्शन दिया है, आपका थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या दिया है, गुड्स परचेस फॉर कैश 8,000 रुपीज़, गुड्स परचेस हुआ है 8,000 रुपीज़ का। ओके फ्रेंड्स देखिए गुड्स आपके लिए क्या एक्सपेंसेस, तो सबसे हमारा पहला इफेक्ट हुआ गुड्स परचेस एक्सपेंसेस, सेकंड कैश गो आउट, क्योंकि आपके पास से कैश अमाउंट जा रहा है। फिर हमारा क्या आ जाएगा अकाउंट इन्वॉल्व में, परचेस अकाउंट कैश अकाउंट, हमारा परचेस क्या एक्सपेंसेस, हमारा एक्सपेंसेस अकाउंट, और हमारे लिए कैश अकाउंट क्या आया था एसेट्स अकाउंट। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, डेबिट, तो यहाँ पे वही हुआ इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, आपने यहाँ पे डेबिट किया तो डेबिट में हमारा आ जाएगा परचेस अकाउंट। अगर आप अपने एसेट्स को डिक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, हम लोग ये रूल में थे पड़े, तो डिक्रीज इन एसेट्स। ओके हमारा अकाउंट टू भी क्रेडिट में आ जाएगा कैश अकाउंट। आपको थर्ड ट्रांजेक्शन यहाँ पे फिलअप में समझा दिया, हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरह मूव आउट करते हैं। फोर्थ क्या बोझा, सोल्ड गुड्स टू मनोज 6,000 रुपीज़। एक मनोज नाम का व्यक्ति है, उसको उसको गुड सेल किया गया 6,000 रुपये। देखो यहाँ पे लिख दिया मनोज, मतलब इसमें लाइबिलिटी अकाउंट आएगा, आपका एकदम डाउट क्लियर हो जाए, लाइबिलिटी मतलब इसने उधारी पे बेचा, तो जिसको बेचा होगा उसके लिए तो उधारी हुआ ना। फिर देते हैं इसका, इसके दो दो इफेक्ट होंगे, सबसे पहला इफेक्ट गुड्स सोल्ड गुड्स रेवेन्यू, आप अगर गुड्स को बेचे हो तो आपको रेवेन्यू होगा, आज हो या तो कल हो लेकिन होगा ना। बाद किसको भेजा, मनोज इज गिवर, इसमें दोस्तों पर्सनल अकाउंट का लगा, देखो हमारा वो था ना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वही यहाँ पे लगा है मनोज इज है गिवर। बाद में हमारा अकाउंट इन्वॉल्व में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे सोल्ड मतलब सेल्स बेचना होता है, और यहाँ पे आ जाएगा मनोज अकाउंट। बाद में हमारा सेल्स अकाउंट आगे चल के चला जाएगा एसेट्स अकाउंट, क्योंकि भाई वो किसी भी कंपनी का अगर माल बिकता है तो उसके पास जो प्रॉफिट आएगा वो हमारा एसेट्स में काउंट होता है, हमारा एसेट्स अकाउंट हुआ। और लेकिन मनोज तो गीवर है भाई साहब, ये तो मनोज के लिए क्या क्या हुआ, लाइबिलिटी अकाउंट। अगर आप अपने एसेट्स को डेबिट, अगर आप अपने कंपनी के एसेट्स में अगर डेबिट करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, तो डिक्रीज इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एसेट्स। ओके तो हमारा अकाउंट टू बी डेबिटेड में क्या आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और ये डैश हो जाएगा। अगर आप अपने लाइबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या करोगे, डेबिट या क्रेडिट, तो भाई दोस्तों हम लोग करेंगे क्रेडिट करेंगे, तो यहाँ पे वही लिखा है इंक्रीज इन लाइबिलिटी, फिर द मनोज अकाउंट। ओके फिर हम लोग आपका पाँचवा ट्रांजेक्शन
देखते हैं आपको पांचवा क्या पूछा था। परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट 50,000 रुपीज। आप मशीन परचेज कर रहे हो सुरेश नाम का व्यक्ति 15,000 रुपये उधारी पे। ये दोस्तों ये सेम इसी पे, ये जो फिफ्थ ने फोर्थ के ऊपर बेस्ड है, बस फोर्थ में क्या हुआ था सोल्ड, वो बेच रहा था इसमें खरीद रहा है, बस फर्क इतना ही है। मैं फिर भी एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ आपको। इसके दो इफेक्ट होंगे, सबसे पहला इफेक्ट परचेज मशीनरी और सेकंड होगा सुरेश इज गिवर। भाई यहाँ पे मशीनरी तो चला जाएगा मशीनरी अकाउंट में, यहाँ पे हमारे क्या दिया नाम दिया, तो यहाँ पे सुरेश अकाउंट। हमारा मशीनरी आता एसेट्स में, एसेट्स में तो एसेट्स अकाउंट, और हमारा जो सुरेश है भाई वो कर्जे पे लिया तो लाइबिलिटी अकाउंट। अगर आप अपने एसेट्स में अगर डेबिट करेंगे तो इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स। अगर आप अपने लाइबिलिटी में अगर आप क्रेडिट करेंगे तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी। हमारा अकाउंट टू भी डेबिट में आ जाएगा मशीनरी अकाउंट, और अकाउंट टू भी क्रेडिट में आ जाएगा सुरेश अकाउंट। ओके, फिर आइए हम लोग सिक्स देख लेते हैं। सिक्स ट्रांजेक्शन्स क्या दिया है, रिसीव रेंट 2,500। आपको रेंट क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, तो भाई आपकी अच्छी बात है ना, आपकी जो कमाई हो रही है कितना हो रहा है 2,500 रुपये। तो अभी कैसे हुआ देखते हैं। सबसे पहला इफेक्ट कैश कम सीन, आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास क्या है दोस्तों, आपके पास कैश पेमेंट आ रहा है। सेकंड क्या है, रिसीव्ड रेंट इज एन इनकम, भाई आपको अगर रेंट रिसीव हुआ तो इनकम ही हुआ ना एक प्रकार का, तो वही दिया है। और हमारा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व होगा, कैश अकाउंट और रेंट अकाउंट। और उसके कैटेगरी से हमारा कैश अकाउंट चला जाएगा एसेट्स में, और रेंट अकाउंट हमारा चला जाएगा रेंट रिसीव अकाउंट में। ओके, अभी हमारा अभी अगर आप अपने एसेट्स में अगर डेबिट करोगे तो क्या होगा, इंक्रीज है, तो इंक्रीज इन एसेट्स। अगर आप अपने प्रॉफिट में क्रेडिट करेंगे तो क्या होगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू एंड गेन्स, जो कि हम लोग देखे थे। और हमारा अकाउंट टू भी डेबिट में आ जाएगा कैश अकाउंट, और क्रेडिट में आ जाएगा रिसीव्ड रेंट अकाउंट। ओके, इसी के साथ दोस्तों आपका एक्टिविटी नंबर 3 पूरी तरीके से सॉल्व होता है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा एक्टिविटी नंबर 3 में, अगर नहीं समझा होगा कुछ भी पॉइंट, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई आपको 99% मिलेगा ही मिलेगा, और दोस्तों 100% मिलेगा, क्योंकि आज तक मुझसे जिसने क्वेश्चन पूछा है मैं उसको रिप्लाई दिया हूँ, तो आपको भी ज़रूर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका एक्टिविटी नंबर 4 देखेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को कर देंगे वाइंडिंग अप। ओके, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।